Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is cryptography. Cryptography एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या है। प्लेन टेक्स्ट एक ऐसा मैसेज, नॉर्मल मैसेज, जिसको कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी समझ सकता है कि इस मैसेज में क्या लिखा है। लेकिन साइफर टेक्स्ट एक ऐसा मैसेज, या उसको हम बोल सकते हैं एक सीक्रेट मैसेज, जिसको कोई भी रीड तो कर सकता है लेकिन उसको समझ नहीं सकता। मतलब देख तो सकता उस मैसेज को, लेकिन उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वो कभी नहीं समझ सकता। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हम कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्रिप्टोग्राफी हम बेसिकली यूज करते हैं टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CIA का, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब इस CIA में जो C है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, हम लोग तकरीबन क्या समझते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि कोई भी मेरे मैसेज को ले ना पाए, कोई भी मेरे मैसेज को ले ना पाए। मतलब अगर मैं यहां से कोई मैसेज भेज रहा हूं किसी और रिसीवर को, लेट से रिसीवर कहीं और बैठा है, लेट से रिसीवर बैठा है 1000 किलोमीटर दूर, अब रास्ते में अगर कोई बंदा मेरे मैसेज को ले रहा है, मेरे मैसेज को अनऑथराइज्ड वे से वो मैसेज को हैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ब्रीच हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी जीरो हो गई। नहीं, मैसेज तो कोई भी ले सकता है, बिकॉज इंटरनेट जो है वो क्या है, इंटरनेट में सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो वल्नरेबल तरीके से कनेक्टेड है। वल्नरेबल का मतलब है कि कोई भी बंदा, अगर उसको नॉलेज है थोड़ी सी भी, वो अगर हैकिंग के स्किल को जानता है तो वो आपके पैकेट को ले सकता है। लेकिन पैकेट को लेने का मतलब ये नहीं है, डेटा को लेने का मतलब ये नहीं है कि वो उस डेटा को रीड भी कर सकता है। अगर वो बंदा उस डेटा को रीड भी कर पाया, समझ भी गया, देन यू कैन से कॉन्फिडेंशियलिटी जीरो। लेकिन अगर कोई भी बंदा आपके पैकेट को रास्ते में, उसने पैकेट ट्रेस कर लिए, ट्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि उसको समझ भी आ गया कि उस मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि सेंडर ने एक प्लेन टेक्स्ट भेजना है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है एक नॉर्मल मैसेज जिसको कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी नॉर्मल मैसेज है। अब उस मैसेज को अगर मैं रिसीवर को भेजता हूं तो यहां पर कोई डेडिकेटेड वायर तो है नहीं। इंटरनेट में हम डेडिकेटेड वायर तो, लेट्स से मैंने इंडिया से कैलिफोर्निया कोई मैसेज भेजना है, ईमेल भेजनी है, तो क्या इंडिया से कैलिफोर्निया एक डेडिकेटेड लाइन है, एक डेडिकेटेड लिंक है? नहीं, हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। मतलब हमारी मशीन से मैसेज निकलता है जब हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट कौन से राउटर पे, कौन सी नोड पे जा रहा है। तो यानी इस चैनल को जो ये लिंक है, ये मीडियम है, ये मीडियम जो है वो अनसिक्योर है, अनसिक्योर है। तो अनसिक्योर मेथड, अनसिक्योर चैनल पे अगर हम मैसेज को भेज रहे हैं तो कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा उस मैसेज को ले सकता है। तो ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मैसेज ले सकता है। लेकिन अगर हम उस मैसेज को प्लेन टेक्स्ट बना के भेजेंगे तो कोई भी उस मैसेज को पढ़ भी लेगा, समझ भी जाएगा, अंडरस्टैंड भी कर लेगा, बट हम ये नहीं चाहते। उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो हम करते क्या है, सेंडर प्लेन टेक्स्ट को सेंड करने से पहले एनक्रिप्शन मेथड यूज करेगा। एनक्रिप्शन के अंदर हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, उन एल्गोरिदम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एल्गोरिदम करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे की, एक की को यूज करते हैं। जैसे लॉक, जो हम घरों में लॉक लगाते हैं घर के अंदर, वो लॉक क्या है, एक चाबी से खुलता है और चाबी से लॉक होता है, तो वही की है। इस की से वो लॉक लगा देंगे और लॉक लगाने के बाद वो बन गया साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट एक सीक्रेट मैसेज है जिसको कोई भी रीड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। तो उस मैसेज को जब हम भेजेंगे इस चैनल पे, इस अनसिक्योर चैनल पे अगर हम भेजेंगे तो रास्ते में तो कोई भी उसको ले सकता है, लेकिन वो MM नहीं है, वो M अब M- बन गया, बिकॉज हम M को एज इट इज नहीं भेज रहे, प्लेन टेक्स्ट को एज इट इज नहीं भेज रहे, हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। तो M becomes, let's say, M-. तो जो बंदा रास्ते में अनऑथराइज्ड यूजर जो इस मैसेज को रीड कर रहा है, उसको क्या लग रहा है कि सेंडर भेज रहा है M-, लेकिन हम क्या भेज रहे हैं, M।
और जैसे ही वो मैसेज रिसीवर के पास आया, रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। बिकॉज जब हम बोल रहे हैं कि कोई भी उस मैसेज को समझ नहीं सकता, तो रिसीवर भी कैसे समझेगा। तो रिसीवर को उस मैसेज को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। डिक्रिप्ट करने का मतलब है एम डैश को दोबारा एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंडर एनक्रिप्शन करता है, रिसीवर डिक्रिप्शन करता है, और डिक्रिप्ट करके वो प्लेन टेक्स्ट को पढ़ लेगा। लेकिन रास्ते में जो भी अनऑथराइज्ड यूजर है, उसको लगेगा कि एम डैश है, बट एक्चुअल में है क्या वो एम। तो एक क्रिप्टोग्राफी इज नॉट अ न्यू टर्म, ऑल्दो ये बहुत पॉपुलर होती जा रही है। बिकॉज अगर हम बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की, आज के टाइम पे नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टोग्राफी आज के टाइम पे यूज़ हो रही है। क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट हुई थी सीजर के टाइम पे। रोम का राजा था सीजर, वो यूज़ करता था सीजर साइफर एक टेक्निक, और उसके थ्रू अगर वो किसी और राजा से बात करते थे तो वो मैसेज को ऐसे एनकोड करते थे कि कोई भी रास्ते में उस मैसेज को रीड ना कर पाए। लेकिन कोई भी रास्ते में जो मैसेज लेके जा रहा है उस पर अटैक करके मैसेज तो ले ही सकते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस मैसेज को पढ़ भी लेंगे। उस मैसेज को पढ़ने के लिए उनको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और डिक्रिप्ट करने के लिए हमें की जरूरत है, की, और वो की उसके पास नहीं होगी। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टोग्राफी, या आप बोल सकते हो एनक्रिप्शन। और कॉन्फिडेंशियलिटी को हम कैसे अचीव करते हैं, एनक्रिप्शन मेथड से। अब यहां पे हमारे पास फंडा जो आता है, इंपॉर्टेंट फंडा, कि क्रिप्टोग्राफी हम दो तरीके से यूज करते हैं, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की का मतलब है सेम की, मतलब जिस की से एनक्रिप्ट किया उसी की से, सेम की से वो डिक्रिप्ट होगा। जैसे भाई जो घर में हम लॉक लगाते हैं, जिस चाबी से हमने लॉक लगाया, अब मैंने अपने पड़ोसियों की चाबी, नेबर्स की चाबी ली और उससे अनलॉक कर दी, ऐसे तो फिर कोई भी अनलॉक कर सकता है? नहीं, जिस चाबी से लॉक लगाया उसी चाबी से हम अनलॉक करेंगे। दैट इज द सिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की का मतलब है हम दो कीज को यूज करेंगे, एक की से लॉक लगाएंगे और किसी दूसरी की से हम उसको ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली यूजीसी नेट एंड गेट एग्जाम, बिकॉज उनमें अब बहुत क्वेश्चन आने लग गए क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। सो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, देन वी विल सी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की। थैंक यू।